कहते हैं माँ लक्ष्मी जिस भी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाती है उस पर अपनी असीम कृपा बरसाती है, उसे किसी भी प्रकार से धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए हम लोग देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही लोग अपने घरों में या अन्य जगहों पर भी माता की तस्वीर या प्रतिमा लगाते हैं। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक के अनुसार माता माँ लक्ष्मी धन की देवी है। इनकी कृपा से ही धरती पर धन एवं ऐश्वर्य है। हमारे घरों में माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाना शुभ होता है जो जिसमें माँ लक्ष्मी की तस्वीर में अलग अलग मुद्राओं पर होती है। हालांकि इन तस्वीर लगाते समय कुछ बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा है पुत्रो जाए कुचितपि कुमाता न भवति। माता लक्ष्मी की किसी भी प्रकार से पूजन की जाए वो शुभ फल हमको प्रदान करती है। लेकिन फिर भी हमको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम माता लक्ष्मी की कमल पर बैठी हुई या हाथी पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की प्रतिमा या फोटो को रखें, या लक्ष्मी जी यदि खड़ी हैं तो उनके पीछे हाथियों के द्वारा धन की वर्षा की जा रही हो, ऐसी गजलक्ष्मी कहा गया है। और यदि लक्ष्मी जी कमल पर विराजमान हैं तो आशीर्वाद देती हुई मुद्रा उनके चरण हमको दिखाई दे रहे हैं, ऐसी लक्ष्मी जी को पूर्व की दिशा में रखें और पश्चिम की ओर उनका मुख हो। और जब हम उनका पूजन करेंगे तो उनका पूजन करते समय हमारा मुख पूर्व की ओर हो, भगवती का मुख पश्चिम की ओर हो, ऐसी भगवती की हमको स्थापना करके पूजन करना चाहिए। कमल के पुष्प, बिल्व फल, बिल्वपत्र इत्यादि से भगवती का अर्चन करना चाहिए। कमल गट्टे से भगवती का अर्चन करना चाहिए। किशमिश, किशमिश से भगवती का अर्चन करना चाहिए। भगवती महालक्ष्मी का श्री सूक्त अभिषेक करना चाहिए। यदि श्री सूक्त हम वाचन करने में असमर्थ हैं तो किसी ब्राह्मण के द्वारा श्री सूक्त का पाठ कराना चाहिए। और भगवती लक्ष्मी के जो महालक्ष्मी के माँ लक्ष्मी के जो 1000 नाम हैं उन नामों के द्वारा भगवती का अर्चन करके हम भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं और सभी प्रकार का धन वैभव ऐश्वर्य इत्यादि जो है हम भगवती से प्राप्त करते हैं।